फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। जैसे कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, दैट इज डाउट क्लियरेंस सीरीज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो अगर आप भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का पिक हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं ट्राई करूंगा वो क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप पे उसका सोल्यूशन भेज दूँ, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम वीडियोस भी बनाएं ताकि दूसरे कोई स्टूडेंट को अगर वो सेम क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है तो वो इजीली ये वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर ले। सो आज हम जो एक क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है जो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड होप आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ASA मेथड, आपको आता होगा। और अगर आपको कोई भी मेथड में डाउट है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, दैट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, there would be two rows less. If one student is less in a row, there would be three rows more. Find the number of students. So हमने जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज में पैटर्न में हमने उनको खड़ा कर दिया है, और अभी हमको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में है वो कितने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया और एक एक रो में मैंने पांच स्टूडेंट को खड़ा किया। सो दिस इज फर्स्ट रो और पांच स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे मैंने सपोज चार रोज बना दिए जिसमें पांच पांच स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? पांच। और कितने रोज हैं? 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 रोज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो एक रो में 5 है तो 4 रोज में कितने होंगे? 20, दैट इज 5 × 4, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 5। और कितने रोज है? 4 रोज, तो 5 × 4 = 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20। तो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज, सो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट विल बी 20। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी पांच स्टूडेंट है तो मैंने चार चार स्टूडेंट को एक रो में खड़ा कर दिया। अब वही 20 स्टूडेंट्स जो है उनको अरेंज करना है, तो कितने रोज बनेंगे? पांच रोज बनेंगे, देर विल बी 5 रोज। हर एक रो में हमने कितने स्टूडेंट्स रखे? 4 स्टूडेंट्स, तो 4, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एंड कितने रोज है? 5, तो अगेन इट विल बी 20। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक रो में 5 थे तो 4 रोज हमको लगा, और अगर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कर दिया, एक एक स्टूडेंट हर एक रो में कम कर दिया, तो मुझे कितने रोज लगे? अभी 5 रोज। सो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई सी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में है और जितने रोज है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमको पहले दिया है कि अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हम एक रो में करेंगे तो देयर वुड बी 2 रोज लेस। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में बढ़ेंगे हर एक रो में तो नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कम हो जाएगा। और इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, अगर एक स्टूडेंट एक रो में जो है पर्टिकुलर रो में कम हो गया तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कितने? 3 रोज। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहां पर हम अज्यूम करते, सो लेट अस अज्यूम दैट देयर आर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हमने जो अरेंजमेंट किया तो उसमें हम अज्यूम करते कि हर एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ रोज बी वाई। ओके, सो हमने अज्यूम किया कि देर आर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन ईच रो, और कितने रोज बने उस एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हर एक रो में है तो कितना नंबर ऑफ रोज हो रहा है, दैट इज वाई. सो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए अगर एक रो में एक्स स्टूडेंट है और कितने रोज है वाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई. अभी हमने डिस्कस किया अगर हर एक रो में पांच स्टूडेंट है और चार रोज है तो 5 × 4 = 20 स्टूडेंट्स. द सेम वे हर एक रो में एक स्टूडेंट है और कितने रोज है वाई, तो एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ हमने ये अज्यूम कर लिया. अभी एज पर फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर एक रो में हमने एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ऐड कर दिया, तो पहले कितने थे एक्स, ओरिजिनली हमने एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में रखा, अब क्या हुआ हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिया, प्लस वन कर दिया. एंड अगर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बढ़ा दिया तो देयर वुड बी टू रोज लेस, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो नंबर ऑफ रोज अभी ओरिजिनली कितने वाई, तो नंबर ऑफ रोज अभी टू से कम हो जाएगा, दैट इज माइनस टू. ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एज पर द फर्स्ट कंडीशन. तो अगर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ रोज कम हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन द सेम. एंड वी नो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज, दैट विल बी नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम. बिकॉज अभी हमने देखा फाइव स्टूडेंट्स था और फाइव स्टूडेंट ईच रो में थे और फोर रोज था, तो 5 × 4 = 20. और वही सेम नंबर अगर स्टूडेंट्स है और मैंने क्या किया, चार चार स्टूडेंट को एक रो में, और नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 5, बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन द सेम. तो मैंने जो क्लास में जो स्टूडेंट्स है सिर्फ मैं उनको क्या कर रहा हूँ, रोज में इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो में वो मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन द सेम. सो ये क्या हो गया, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड दिस इज द नंबर ऑफ रोज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू टू, दैट इज माइनस टू एक्स, वन इंटू वाई दैट इज वाई, एंड वन इंटू माइनस टू एक्स वाई. ओके, सो दिस इज प्लस एक्स वाई, यहाँ अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. सो माइनस टू एक्स प्लस वाई, माइनस टू को हम वहाँ ट्रांसपोज कर देते हो तो इट विल बी प्लस टू, सो ये हो गया इक्वेशन वन. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, सो एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, इफ वन स्टूडेंट इन अ रो इज लेस, तो पहले हमने वन स्टूडेंट बढ़ा दिया था फर्स्ट वाले केस में, अब वन स्टूडेंट कम कर दिया, तो पहले ओरिजिनल कितने थे एक्स, अब मैंने एक नंबर से डिक्रीज कर दिया, तो एक्स माइनस वन. सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एंड अगर हर एक रो में एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लेस, तो कितने नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे, थ्री. सो वाई प्लस थ्री, सो वाई जो है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज है, अब उसमें थ्री रोज ऐड हो जाएंगे जब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक रो में कम हो जाएंगे, बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन द सेम, दैट इज एक्स वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एक्स वाई. सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नाउ एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई, एंड माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री एक्स वाई, अगेन प्लस एक्स वाई वहाँ ट्रांसपोज होगा तो माइनस एक्स वाई, ओके कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी थ्री एक्स माइनस वाई, एंड ये वहाँ पर शिफ्ट हो गया, सो इट विल बी माइनस थ्री को हम वहाँ ट्रांसपोज करें तो इट विल बी थ्री. सो नाउ ये हो गया इक्वेशन टू. ओके, सो दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इक्वेशन वन. अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बोथ आर लीनियर इक्वेशन, सो
बाय एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, जो भी करना है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है दैट इज़ बाय एलिमिनेशन मेथड, दैट इज़ मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम। और यहाँ आप देखेंगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ प्लस वन है एंड y का कोएफिशिएंट माइनस वन है, सो कोएफिशिएंट सेम है, दैट इज़ वन एंड वन, ओनली द साइन इज डिफरेंट, प्लस और माइनस, और दैट इज ऑल्सो वेरी सुटेबल फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, जब भी साइन अलग होगा हम डायरेक्टली क्या कर देते, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू को हम ऐड करेंगे, सो माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू एंड थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री। सो जब हम ऐड करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ये हमने एलिमिनेशन मेथड जहाँ मैं एक्सप्लेन किया वहाँ पर मैंने बताया हुआ ये क्यों चेंज नहीं होता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, और दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू टू प्लस थ्री, दैट इज फाइव, सो एक्स इक्वल्स टू फाइव। सो एक्स क्या था, एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज फाइव। ओके, सो वी वॉन्ट वाई ऑल्सो बिकॉज हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर इज x इंटू वाई, तो x मिल गया। अब y क्या है, सो उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू फाइव इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वन टू, तो वन में करते अगर तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, सो माइनस टू इंटू फाइव, एक्स का वैल्यू फाइव प्लस वाई इक्वल्स टू टू, सो माइनस टेन प्लस वाई इक्वल्स टू टू, सो वाई इज टू प्लस टेन, सो वाई इज ट्वेल्व, सो वाई का वैल्यू कितना आ गया, ट्वेल्व, सो वाई इज नंबर ऑफ रोज, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स वाई, सो एक्स इज फाइव वाई इज ट्वेल्व, दैट इज सिक्सटी, सो देयरफॉर देयर आर सिक्सटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास एज पर द कंडीशन, जो हमको यहाँ कंडीशन दिया है तो उस हिसाब से वो क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 60। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ भी ये क्वेश्चन में अगेन डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।